अभी स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में हम बात करेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम की। सब डिवाइडेड बार डायग्राम में हम हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे जाते हैं, लेकिन उन दोनों को हम सेपरेट करके एक ही लाइन में देखते हैं। एक ही लाइन में दो को अलग अलग, दो या उससे ज्यादा को अलग अलग डिवाइड करके जो है वो प्रेजेंट करना सब डिवाइडेड बार डायग्राम का रहता है। अब बात आती है हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है, उसने दिया हुआ है कि सेक्स वाई स्टूडेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट ईयर में 300 है, 150 गर्ल्स हैं और टोटल जो है वो 450 हैं। इस तरह पूरा ये चार्ट दिया हुआ है जिसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ में। ग्राफ में प्लॉट करते हुए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, मेरे पास तो यहाँ बॉक्सेस नहीं है इसलिए मैं इसको आपको जनरली ड्रॉ करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको जो ड्रॉ करना है वो ये बात याद रखिएगा कि अगर नंबर 450 तक जा रहा है और आप 10-10 बॉक्सेस के लेंगे तो ग्राफ हाफ ग्राफ से भी कम आएगा, जो कि आपके ग्राफ की प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी नहीं है। बेहतर यही है कि ग्राफ इतना बैलेंस हो जो 80% ग्राफ को कवर करे और क्लियर पिक्चर शो करे कि आप असल में उस ग्राफ के जरिए बताना क्या चाह रहे हैं। अब यहां पर बात आ गई, फर्स्ट ईयर में बॉयज हैं 300, अब यहां पर फर्स्ट ईयर में 300 बॉयज हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास यहां पर आ जाएगी, अब यहां देखिए 300 है तो इसका मतलब है ये आपके पास बॉयज आ गए। आप बेशक इस पे कलर कर सकते हैं, बॉयज के लिए ब्लू कलर कर दें, गर्ल्स के लिए पिंक कलर कर दें और उसको की बना के ऊपर शो कर दें, वो मैं आपको आखिर में बता दूंगा। लेकिन जो आपने ये जो बॉयज थे वो 300 थे और गर्ल्स हैं 150, तो 150 मीन्स ये अगर हम देखें तो ये आ जाएगा आपके पास 400 और 450। ये आपके पास हो गए। हम इसको अभी मैं ग्राफ में इसको जो है वो गर्ल्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये है हमारे पास गर्ल्स और ये है हमारे पास बॉयज। अब टोटल कितने हैं 450, और आप देख सकते हैं कि यहां पर 450 जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हैं और एक ही लाइन में दो डिवाइडेड हैं, इसीलिए इसको सब जो है वो सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं। जो सेकंड है वो आ गया आपके पास सेकंड ईयर में, आपके पास सेकंड ईयर यहाँ है, आपके पास शुरू में अगर 5 छोड़ रहे हैं आप यहां पर तो उसके बाद 10 का बनाए, फिर 5 ड्रॉप करें ग्राफ में, फिर 10 का बनाए, ये उस वक्त जब 4 हो। अगर आपके पास 3 है तो बहुत आसान है, 10 ड्रॉप करें 10 पे बनाए, 10 ड्रॉप करें 10 पे बनाए, ताकि यू भी कवर करें ग्राफ को और वाई एक्स एक्सिस पे भी कवर करें एंड वाई एक्सिस पे भी कवर करें। अब यहां पर सेकंड ईयर में आ गया आपके पास 250, तो सेकंड ईयर में और अगर यूं देखें ताकि हम इस तरह जो है वो बॉयज को शो करते हैं सेकंड ईयर के, अब गर्ल्स हैं 100 तो इसका मतलब है उसको फर्दर एक्सटेंड कर देंगे, यानी 250 से 350, और ये आपके पास आ गई गर्ल्स, ये बॉयज और ये गर्ल्स। थर्ड है 200 बॉयज हैं, थर्ड ईयर में 200 बॉयज हैं
150 गर्ल्स हैं, तो इसका मतलब है 200, 300, 350 तक लेके जाना है हमें। अब लास्ट आ गया आपके पास, फोर्थ ईयर में आपके पास 100 बॉयज हैं, और 50 गर्ल्स हैं, अब यहां पर आपको देखना है कि इस चीज को ऊपर की लिख के ग्राफ में आप बना देंगे, यहां लिख दें बॉयज, यहां लिख दें गर्ल्स, जैसे मैंने यहां प्रेजेंट किया है, मैं ये कह सकता हूं कि ये गर्ल्स हैं और ये हिस्सा जो है वो बॉयज का है। बिल्कुल आप इसी तरह इसको यहां पर ब्लू कर सकते हैं और यहां पर पिंक करके जहां पे गर्ल्स हैं वहां पे सब पिंक शो कर दें और जहां पे बॉयज हैं वहां पे ब्लू कर दें, क्योंकि कलर अट्रैक्ट करता है, तो चेक करने वाले को ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर जाएगी। तो यहां पर जो है वो यहां पर थोड़ा सा टोटल में 250 लिख दिया था, यहां पर 350 था, तो इसको अब लेकिन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैंने इस बात को क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट है पाई चार्ट, मैं उसको क्वेश्चन लिख के आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा आता हूं। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सामने क्वेश्चन है कि फॉलोइंग डायग्राम draw following diagram following data the following data shows expenditure of salaried person। आपको pie chart show करना है। अब आप ये देखें, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको आपने आपको सॉल्व करने के लिए दिया है उसमें आपके पास टोटल नंबर कितना आता है, 1200 1200 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 300, ये पूरा आपके पास आ गया 3000। अब आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये कि जब भी हम पाई चार्ट बनाते हैं तो पाई चार्ट बनता है सर्किल में, और सर्किल में बनने के लिए हमें एक सर्किल की जरूरत होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रकार लेके जाते हैं और प्रकार से जब सर्किल बनाते हैं तो डी को मेजर करते हुए प्रॉपरली मेजर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से एक डिग्री का भी फर्क आता है तो वो एक डिग्री बहुत दूर निकल जाती है। इसलिए आप डी से ही सर्किल को बनाएं, वो तरीका मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप ये देखें, आपने यहां से यहां तक एक सेमी सर्कल बना लिया, फिर इसी को ही डी को ही उल्टा रखकर वो लाइन ज्वाइन कर देंगे,
ये बन गया आपके पास सर्कल। और अगर यूं देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये यहां पर जाकर आपका लाइन बनेगी। अब बहुत आसान हो जाएगा इसको ड्रॉ करना। अब हम इस तरफ आते हैं भाई। सबसे पहले पाई चार्ट बनता है हमेशा सर्कल में, और आपको पता है कि होल सर्कल जो है वो 360 के बराबर होता है, 360 डिग्री। हमें ये पूरे एक्सपेंडिचर को डिग्री में चेंज करना है। जब हमें डिग्री में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय टोटल 3000 मल्टीप्लायर 360, तो आपके पास आ गया 144 डिग्री। दूसरा 1000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लायर बाय 360, तो ये हो गया 1000 मल्टीप्लायर बाय 360 डिवाइडेड बाय 3000, तो ये आ गया 120 डिग्री। तीसरा 500 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 360, यानी हर एक को टोटल से डिवाइड किया और 360 से ताकि सर्कल के अंदर आ जाए। 500 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 3000, ये आ गया 60 डिग्री। और लास्ट 300 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 360, 300 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 3000, 36 डिग्री। और इसको जब टोटल करेंगे तो ये 360 ही आएगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए, करना नहीं होता आपको। अब बात आ गई कि सबसे पहले जो फूट था वो 144 डिग्री था, तो हमने यहां पे रखा डी लाइन पे आनी चाहिए। अब यहां से शुरू करेंगे तो 0 120 30 40 140 ये रहा, 141 142 143 144 ये आ गया। तो हम इस लाइन को यहां से मिला दें और ये हमारे पास आ गया फूट। यहां लिख देंगे 144 डिग्री और ये आ गया आपके पास फूट। इसके बाद क्या करेंगे, 120 डिग्री को कैसे बनाएंगे भाई। 120 डिग्री को बनाने के लिए यू रखें लाइन आ गई। अब 120 ये आ गया 90, ये आ गया 120, तो इसको हटाएंगे और इसको यहां से यू ज्वाइन कर देंगे। ये आपके पास आ गया 120 डिग्री और 120 डिग्री था आपके पास रेंट। रेंट के बाद आ गया 60 डिग्री, आपके पास था क्लॉथिंग। इस लाइन को यूं ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया आपके पास 60 डिग्री और यहां लिख दें आप क्लॉथिंग। और लास्ट रह गया आपके पास 36 डिग्री, जो आखिरी रह जाएगा वो 36 डिग्री होगा, वो है एजुकेशन। ये लगता है हमारे एशियन कंट्रीज के जो भी है उसका ग्राफ है, जिसमें एजुकेशन के लिए सबसे कम रखा जाता है पैसा। अच्छा, अब ये ग्राफ जो हमारे पास शो कर रहा है, हम यहां पर इसकी की बना सकते हैं
और की शो करने के बाद हम लिख देंगे फूड रेंट क्लॉथिंग और एजुकेशन। और आप जो है इधर सपोज अगर इधर रेड कलर कर देते हैं तो इधर रेड कर दें, इधर ब्लू करना है तो इधर ब्लू कर दें, इधर ग्रीन करना है तो इधर ग्रीन कर दें, इधर येलो करना है तो इधर येलो कर दें। और ये ग्राफ इतना वाजे होकर आपके सामने आ जाएगा कि आप कहेंगे कि ये वो चीज है जो हम प्रेजेंट करना चाहते थे सही मायनों में, जो कि एक नजर देख के ही हमें बता देती है कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, किस फील्ड में हम कितना परसेंट पे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, दो ग्राफ रह गए थे। इसके अलावा एक ग्राफ के लिए, एक और ग्राफ कह रहा हूं उसके लिए एक रिक्वेस्ट की गई है एक क्वेश्चन के लिए कि सर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें, और वो है इंडेक्स नंबर का। तो वो उस रिक्वेस्ट के मुताबिक मैं आपको यहां पर सॉल्व कर देता हूं। अब ये क्वेश्चन है जिसके लिए मुझे कहा गया है कि सर आप समझा दें। तो बाकी इंडेक्स नंबर के लिए मैंने अलग चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ये भी बता दिया है कि ये लेस्पेयर पैशेज एंड फिशर मेथड क्या होता है, प्रेजेंट में कौन सा यूज होता है, फ्यूचर के लिए कौन सा यूज होता है, वो मेरा आप लेक्चर देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर आपको मैं सिर्फ एक मरतबा इस मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो ये है कि इसके शॉर्टकट्स में क्या करेंगे, आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो आएगा इन चार 1 2 3 4 5 फाइव क्वांटिटीज पे। अब जो आपको चीज जहन में रखनी है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर होगा, ये प्राइस है, ये प्रीवियस ईयर है पीओ, प्रीवियस ईयर को, और प्राइस करंट ईयर, क्वांटिटी प्रीवियस ईयर 1990 पिछला ईयर है और क्वांटिटी करंट ईयर। इसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ कुछ वर्ड्स जहन में रखने हैं। वो क्या है, ओ नो ऑन नाना। अगर आप ये रख लेंगे आपके लिए सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखें, सबसे पहले ओ नो ऑन नाना। अब बात यह आती है कि पहले पे पी, दूसरे पे क्यू, यूं आपके लिए इंतहाई इजी हो गया सवाल को सॉल्व करना। अब हम ये देखें, पीओ क्यूओ, पीओ और क्यूओ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 80 1760 46 मल्टीप्लाई बाय 140 64 40 66 मल्टीप्लाई बाय 60 39 60। सब तीनों को प्लस कर दें, 1760 प्लस 6440 प्लस 3960 आपके पास टोटल आ गया 12,160। अब सेकेंड पी एन ये रहा और क्यू ओ ये रहा, 8 times 2 is 16 14 times 5 is 7,050 into 14 140 7,000
अब आ गया आपके पास 72 इंटू 60 4320। इसको बाद में देखेंगे, कैलकुलेट बाद में कर लेंगे हम। अब आ जाएगा पीओ पीओ और QN, QN इन दोनों को, मतलब 22 मल्टीप्लाई बाय 120 2640। अब सेकंड आ जाएगा आपके पास, अब सेकंड आ जाएगा 46 मल्टीप्लाई बाय 185, तो ये आ जाएगा 8510। तीसरा 66 मल्टीप्लाई बाय 75 4950। अब आ गया पी एन और क्यू एन, इसको हम मिटा देंगे, पी एन और क्यू एन 20 मल्टीप्लाई बाय 120 2400 50 मल्टीप्लाई बाय 185 9250 60 मल्टीप्लाई बाय 75 4500। अब इन सबको प्लस करते चले जाएंगे, इनको कर दिया 12,000 को, यह आ गया 1600 प्लस 7,000 प्लस 4,320, यह आ गया 12,920। अब आ गया 2,640 प्लस 8,510 प्लस 4,950 16,100। अब 2,400 प्लस 9,250 प्लस 4,500 16,150। अब आप ये देखें, बहुत ही सिंपल है आगे सॉल्व करना। अगर मैं सबसे पहले, उसने क्या है, लेस्पियर्स, लेस्पियर्स का फॉर्मूला आप बड़े आराम से देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों के रेशियो को देखेंगे, मतलब सिग्मा पी एन क्यू ओ अपॉन सिग्मा पी ओ क्यू ओ मल्टीप्लाई बाय 100, यह आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा 12,920 अपॉन 12,160 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आ जाएगा आपके पास 12,920 डिवाइडेड बाय 12,160 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यह आ जाएगा आपके पास 106.25%। यह आपके पास आ गया लेस्पियर्स का। अब दूसरा आ गया पैशेस। यहां पर है इंडेक्स, अब ये क्या आपके पास पैशेस क्या होगा, आपके पास सिंपल पैशेस सिग्मा पी एन क्यू एन अपॉन सिग्मा पी ओ क्यू एन मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप ये देखें पैशेस के लिए, ये है आपके पास सिग्मा पी एन क्यू एन का सिग्मा, ये है 16,150 डिवाइडेड बाय 16,100,
आपके पास ये आ जाएगा 16,150 डिवाइडेड बाय 16100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 100.31%। अब आ जाएगा आपके पास, यहां पर आ गया आपके पास लेस्पियर्स भी आ गया, पैशेस भी आ गया। अब फिशर यहां पे कहा नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। फिशर का सिंपल फॉर्मूला है अंडर रूट एल मल्टीप्लाई बाय पी। अंडर रूट एल क्या है आपके पास? 106.25 मल्टीप्लाई बाय 100.31। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं अब आपको इसको डायरेक्ट बता दूं, ये बन जाएगा 103.27%। एक मिनट कैलकुलेट करके फिर भी देख लेते हैं। अंडर रूट 106.25 मल्टीप्लाई बाय 100.31 ब्रैकेट क्लोज, अंडर रूट में आ जाएगा 102.3। ठीक है, ये है लेस्पियर, पैशेस और फिशर का इंडेक्स नंबर, जो कि मुझे क्वेश्चन कहा गया था। बस आपको ये चीज जहन में रखनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्राइस क्वांटिटी आती है तो मसला कर देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। एक ईयर के दोनों दिए हुए हैं, दूसरे ईयर के दोनों दिए हैं, आप लोग मसला कर देते हो। सिर्फ ये देखना है प्राइस है, प्रीवियस ईयर है उसको पीओ कर दें, करंट ईयर है चाहे वो इधर ही क्यों नहीं लिखी हो उसको पीएन कर दें। लेकिन यहां पर डिफरेंट है, उस चीज को क्वेश्चन के मुताबिक समझ के आपको खुद लिखना है। हर एक को एक ही मेथड पे मत सॉल्व कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।